Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha AS Academy, and this is the lecture number 15 of the Science and Tech series. Now, what we'll be doing today is the second part of the chemistry. Now, we have tried to sum up some concepts and छोटा सा कॉन्सेप्ट रखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या था, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे. हम कितने फैक्ट्स आपको बताते रहेंगे, जो जो फैक्ट्स थे हमने पुट अप कर दिए अपने मटेरियल में. बट देन अगर आपको लगता है कि हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और ये टॉपिक के कवर किया जाना था, तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर कवर करेंगे. एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अस. आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट लाइफ, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, योर पर्सनल, प्रोफेशनल, related to study. We are always happy to help you in whatever way we can. Thus, beginning for the day, the first topic is the chemistry in everyday life. Now today I have changed the pen color also because I was tired of writing in green. Thus, for a change, तो उसका भी review दें आपकी भाई, blue कैसा लग रहा है, green कैसा लग रहा है. तो chemistry यार बड़ा interesting है. Chemistry मतलब chemicals से ये deal करता है. अब everyday life में जो है chemistry के बहुत सारे n number of चीज़ें हैं, ठीक है. मैं अगर ये बात करूँ, मेरे ये पानी का गिलास रखा है, इसके अंदर भी, पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है. ये भी केमिस्ट्री है. ये जो गिलास है, ये भी कुछ केमिकल से ही बना है, ठीक है. तो केमिस्ट्री का एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा हुआ है. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक्सरे का. एक्सरे में एक चीज़ यूज़ होती है, बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट जो है नॉन सॉल्यूबल है, तो ये काम करता है. अगर मैं इसी में बेरियम सल्फाइड या बेरियम सल्फाइट यूज़ कर दूं, बेरियम सल्फाइट यूज़ कर दूं, तो जो है ये पॉइजनस हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा. तो देख रहे हो आप कितना फ़र्क पड़ रहा है. एक चीज़ से तो आप एक एक्टिविटी कंडक्ट कर पा रहे हो और दूसरे से आपको पॉइजनस पॉइजन बन जा रहा है. ऐसे ही एक चीज़ थी, एक केमिकल था हिस्टामाइन. पहले लोगों को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी. ब्लू में ना मज़ा नहीं आ रहा, चेंज करते हैं इसको, ये रख लेते हैं. हिस्टामाइन. हिस्टामाइन क्या था? हिस्टामाइन जो है एक टाइप का एंटा एसिड. पहले लोगों को हाइपर एसिडिटी रहती थी, उसको काउंटर करने के लिए हिस्टामाइन लाया गया, ठीक है. फिर आपके केमिकल का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में कैसे होता है, ट्रैंक्यूलाइजर्स होते हैं आपके, आपके एनाल्जेसिक्स होते हैं जो आपको बेहोश करते हैं, ठीक है. ये क्या है, आपको नंबिंग इफेक्ट देते हैं. जैसे ट्रैंकुलाइजर जो है आपके न्यूरोलॉजिकल एक्टिव, ये दोनों ही जो है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग है, ठीक है. आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करते हैं. ट्रैंकुलाइजर बेसिकली आपको एक स्टेट ऑफ ट्रैंकुल में डाल देते हैं कि पड़े हैं, बाबा पड़े हैं आराम से, ठीक है. उस वैसे वाला जो होता है वो ट्रैंकुलाइजर यूज़ करते हैं. या आपको स्ट्रेस से, है ना, स्ट्रेस से रिलीफ देते हैं. कोई आपको डिजीज़ है, मेंटल डिजीज़, जैसे क्या बोला गया था कि मैरिजुआना जो है कैंसर पेशेंट्स को दिया जाए, क्योंकि वो कीमोथेरेपी जो होती है वो कई बार पेनफुल होती है. तो जो मैरिजुआना, जिस कुछ पेशेंट्स को मैरिजुआना दिया गया, उसके बाद देखा गया तो दे इट हैड नंबिंग इफेक्ट. बट देन यू नो दिस थिंग्स हैज टू बी टेकन विद वेरी वेरी कॉशन, ठीक है. यू शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग. देन एनाल्जेसिक्स मतलब एक्चुअली ये आपको पेन, आपको नंबनेस देते हैं, ठीक है. आपको सर्जरी वगैरह में काम आते हैं इनका. एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो एनाल्जेसिक्स ही देते हैं. दो टाइप के होते हैं आपके, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक. भाई जिसकी आदत लग जाएगी वो नार्कोटिक, जिसकी आदत नहीं लगेगी वो नॉन नार्कोटिक, ठीक है. फिर आपके जो केमिकल्स हैं, दवाइयां जो होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है आपकी, वहाँ पे बहुत यूज है. आपकी जो जितनी भी मेडिसिन हैं वो आपकी केमिकल्स से बनती हैं. आपके एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीसेप्टिक्स हो गई, इनफैक्ट आपका जो हैंड वॉश है वो भी एक टाइप का केमिकल ही है. देन मैं बात करूँ, फूड प्रिजर्वेशन में बहुत ज़्यादा काम है. फूड प्रिजर्वेशन में आपने देखा होगा कि फूड्स को आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो आते हैं, जैसे एक अस्पार्टेम होता है, अस्पार्टेम इज द मोस्ट यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है. अस्पार्टेम इज अ मोस्ट यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है. और फूड प्रिजर्वेशन में उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, है ना, कुछ केमिकल लगाए जब बहुत शाइनी दिख रहा है आपका एप्पल, तो उन सब चीज़ों में जो है केमिकल्स यूज आते हैं. अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की. देखो तो पीरियोडिक टेबल क्या है, ऐसा कुछ आपने बचपन में देखा होगा, ठीक है. कुछ कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है.
ये था आपका पीरियोडिक टेबल, ये किसने दिया था? एक हमारे भाई साहब थे, उनका नाम था मेंडलेव, मेंडलीव ने दिया था। उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस बेसिस पे, उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको जो है अरेंज कर दिया, ठीक है, और ये केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। एटॉमिक मास ज़्यादा वो था तो देखेंगे आप, तो एटॉमिक मास बढ़ता रहता है 1 2 3 ऐसे, अगर आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे आएंगे तो एटॉमिक मास आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको अरेंज किया, ठीक है। तो कितने हैं आपके, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, ऐसे ऐसे 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, और ऐसे ऐसे कितनी रोज हैं आपकी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसमें जो है। और पीरियोडिक टेबल की वजह से ही कुछ कुछ गैप्स जो हैं खाली छोड़ रहे थे, तो मेंडेलिव वॉज एबल टू प्रेडिक्ट द डिस्कवरी ऑफ फ्यूचर एलिमेंट्स, कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे जो यहाँ पे आएंगे और उनकी बात जो हुई सच हुई। जैसे अगर मैं 1 से 20 की बात करूं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है, ऐसे करके लिख सब बचपन में सब याद करते थे ना, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करके आना पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो मैंने तो हा, ही, ली, बे, बक, नॉफ, नी, ना, मंगल, सिप्स, क्लार्क, क्लार्क मतलब के 20वां कौन सा हो गया फिर आपका, पोटेशियम, ठीक है। तो ऐसे याद करता था, खैर वो तो पुराने ज़माने की बात है, अब तो खैर नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, ठीक है। बट देन हमारे 20, अब तो बच्चे पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हैं, IIT JEE की जब तैयारी करते थे तब याद करना पड़ता था, खैर मैंने की नहीं बहुत टाइम तक, तो मेरे बस की थी नहीं, ठीक है। बट देन जो करते थे वो पढ़ते थे, ठीक है। तो ये थी बात पीरियोडिक टेबल, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देख लेते हैं। तो एक चीज़ होती है आपकी इग्निशन टेम्परेचर, भाई इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि जिस भी टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस फायर पकड़ लेगा उसमें आग लग जाएगी, उसको बोल देंगे उसका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। और जिन चीज़ों का बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है कि एकदम बस कुछ हुआ नहीं उनमें आग लगी नहीं, तो उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जब पेट्रोल का ट्रक जाता है या किसी गैस का ट्रक जाता है तो आपने पीछे साइन बना हुआ देखा होगा कीप अवे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, यही होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। आपका LPG गैस हो गई, आपका अल्कोहल होगा, पेट्रोलियम होगा, आपने हल्की देर माचिस लगाई और पूरा पूरा डिपो ही उड़ जाएगा एक बारी को, ठीक है। ऐसे ही जो आपकी मैच स्टिक होती है, माचिस होती है ना, अरे आपको बताते हैं उसमें क्या क्या होता है। एक आपका होता है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट लेकिन यार पता नहीं मेरे को क्यों मन करता था कि मैं पढ़ा दूं, क्योंकि माचिस की तीली सब इस्तेमाल करते हैं, और वो जो उसके आगे बारूद जिसको बोलते हैं वो किस किस का बना होता है, आपका एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट होता है उसमें, ठीक है, वो भी केमिकल है, क्लोरेट, और वाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है। और फिर एक कॉन्सेप्ट होता है कैलोरीफिक वैल्यू का, कैलोरीफिक वैल्यू का, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। कोई भी चीज आपने ली, उसको 1 किलो ली उसकी वो चीज, और उसको जलाया, उसको जलाने के बाद उसमें कितनी हीट एनर्जी निकली उस 1 किलो को जलाने में, वो उस सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू हो जाती है। तो हर सब्सटेंस की वैल्यू जो होती है कैलोरिक वैल्यू डिफर करती है, ठीक है। जैसे अगर मैं काउ डंग की बात करूं तो 6,000 से 8,000 की रेंज होती है, आपका जो वुड होता है वो 17,000 से 22,000 होता है, आपकी जो LPG होती है वो 55,000 होती है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर देन नोट्स में हमने कोल, पेट्रोलियम ये सब लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। देन एक टॉपिक है आपका अलॉयज, देखो अलॉयज कुछ नहीं है, वो एक टाइप की होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के, ठीक है, उसको बोल देते हैं अलॉयज। जैसे मैं बात करूं ब्रास की, सबको पता है ब्रास किससे बनता है, जिंक और कॉपर से, ठीक है। तो कितना, 30% आप जिंक मिक्स करिए, 70% कॉपर मिक्स करिए, गला के आपको यह बन जाएगा ब्रास बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्टील होता है, स्टील को भी 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हो आप, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, है ना। स्टेनलेस स्टील में कम से कम क्या उसका क्राइटेरिया क्या है कि 10% क्रोमियम होना चाहिए उसके अंदर, ठीक
ठीक है, फिर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयज होते हैं, कॉपर अलॉयज होते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम अलॉयज होते हैं, एल्यूमिनियम अलॉयज होते हैं, ठीक है, गोल्ड जैसे येलो गोल्ड, वाइट गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सारे अलॉयज हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रास, और एक ब्रॉन्ज भी बहुत पूछता है, तो ब्रॉन्ज क्या है आपका, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कुछ कुछ और मटेरियल मेटल्स, ठीक है, कुछ कुछ और मेटल्स रहते हैं ब्रॉन्ज के अलॉय में, ठीक है। अलॉयज आजकल तो बहुत ज़्यादा अलॉय गाड़ी गुड़ी में भी डलते हैं, ठीक है। तो जैसे ब्रॉन्ज की बात करूँ तो 90% कॉपर, 10% टिन, ब्रास की बात करूँ 70% कॉपर, 30% जिंक, स्टील, आयरन और कार्बन, स्टेनलेस स्टील, आयरन कार्बन एंड क्रोमियम 18%, कम से कम स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कम से कम 10% क्रोमियम चाहिए आपको, है ठीक है। ड्यूरेलियम ये एल्यूमिनियम का अलॉय है, ऐसे प्यूटर होता है, प्यूटर कॉपर और टिन से बनता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन देख लेते हैं। सिंथेटिक मटेरियल की बात करते हैं, तो जो फाइबर्स होते हैं वो कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ केमिकल से बन के आते हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये क्या आपके नेचुरल हैं, ठीक है। कुछ सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, आपके नायलॉन, रेयॉन, नायलॉन के कपड़े देखा जो आपकी प्रेस रहती है उस पर लिखा होता है कि नायलॉन क्लोथ्स पे, क्योंकि एकदम आग लग जाती है नायलॉन के क्लोथ्स पे, ठीक है। आपका पॉलिस्टर्स, आपका टेराइलीन, आपका एक्रेलिक, ठीक है, ये सब क्या है आपके सिंथेटिक फाइबर्स। फिर बात करें अगर हम प्लास्टिक्स की, तो प्लास्टिक के साथ दो तीन टाइप के होते हैं, उसमें दो टाइप तो थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि आपने आग जलाई वो गल जाता है, जैसे आपकी बकेट, आपके मग्गे, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक। एक होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि आपने एक बार उसे शेप दे दिया ना, फिर वो टूटेगा ही, वो आप उसे जितना मर्जी गर्म करते रहो पिघल के गलेगा नहीं, जैसे आपके जिससे आपके बर्तन भी बनते हैं, ठीक है, जिससे आपके बर्तन भी बनते हैं, जैसे बेकलाइट, आपको मेलामाइन, ठीक है, ये सब क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये टूटेंगे, तोड़ सकते हो आप इसे, पर देन ये गलेंगे नहीं, अब उसको रिशेप नहीं किया सकता गर्म करके। देन एक चीज़ होती है टेफलॉन, टेफलॉन कोटिंग आती है ना, किसमें आती है, नॉन स्टिक कुकवेयर में आती है, तो बाद में पता लगा कि अब तो डिबेट चल रहा है कि इसकी वजह से भी कैंसर होता है, ठीक है। आदमी तो क्या क्या खरीदे, मैंने ऐसे ही खरीदा था ये टेफलॉन नॉन स्टिक कुकवेयर, मैंने सोचा था कि थोड़ा सा पतला होऊंगा, नॉन स्टिक खाना थोड़ा सा कम तेल खाऊंगा, तो अगले दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ लिया कि यार टेफलॉन कोटिंग वाले से कैंसर होता है, बट देन अभी तो खा ही रहा हूँ मैं। अब आजकल एक चीज़ आ गई है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के बर्तन चल रहे हैं आजकल, तो ठीक है मार्केट है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो एक तो आपके दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है, एक आपका मिटो लेते हैं इसे, एक आपका होमोजीनियस होता है, एक आपका हेटेरोजीनियस होता है, ठीक है। क्या फर्क होता है, होमोजीनियस में जो मिक्सचर होता है वो एकदम वेल मिक्स्ड होता है, ठीक है, आपको पता नहीं लगेगा क्या मिला दिया आपने आपस में, जैसे नमक को पानी में मिला देंगे, होमोजीनियस मिक्सचर है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, ऐसे आपको अलग अलग मिलेगा दिखेगा, आपने कोई नॉन सॉल्यूबल चीज़, आपने जो है गुड़ डाल दिया, गुड़ भी मिल जाता है, बट देन शुरू शुरू में अगर आप सिर्फ गुड़ डाल के पानी में घुमाएंगे तो गुड़ दिखेगा आपको, तो वो हेट उस टाइम हेटरोजीनियस रहता है। या आपने आयरन नेल डाल दी पानी में, ठीक है, आयरन के कुछ बारीक बारूदा डाल दिया, वो नहीं गलेगा, आपने वुड डाल दिया वो भी नहीं गलेगा, अब वुड को एसिड में डाल दोगे तो वो गल जाएगा। तो ऐसे ही होमोजीनियस में मतलब दे आर वेल मिक्स्ड, एंड नॉन होमोजीनियस मतलब नॉट वेल मिक्स्ड, दे आर नॉट वेल मिक्स्ड, ओके। अब लाइट का क्या फर्क पड़ता है सॉल्यूशन पे, देखो जो नॉन होमोजीनियस होता है ना, नॉन होमोजीनियस में तो लाइट स्क्वेटर वो हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है, इसलिए उनको सस्पेंशन, इसको जो है सस्पेंशन भी बोलते हैं कई बार, जिन जिन नॉन होमोजीनियस मिक्सचर में लाइट स्कैटर हो जाती है उसको बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। और सस्पेंशन फिर क्या हो गया, हेटरोजीनियस मिक्सचर हो गया। और कुछ सॉल्यूशन होते हैं कि विच डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसलिए लाइट, जो अगर आप किसी सॉल्यूशन में लाइट मारेंगे ना, तो जैसे ही सॉल्यूशन में वो लाइट दिखाई नहीं देगी आपको, लाइट दिखाई नहीं देगी, क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन है, दैट डज नॉट डिस्पर्स और स्कैटर द लाइट, इसलिए आपको जो है सॉल्यूशन में लाइट दिखाई नहीं देगी। अब मैं पानी के ग्लास में अगर लाइट मारूंगा तो मुझे लाइट दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ये थी बात सॉल्यूशंस की। एक कोलाइडल सॉल्यूशन भी होते हैं, एक
कोलाइडर सॉल्यूशन एक्चुअली एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है ये भी, ठीक है। जैसे आपका इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है मिल्क, ठीक है। ऐसे एग्जांपल है मिल्क, एक्चुअली इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और इसमें कोलाइड्स, कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, उसमें कोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और यही पार्टिकल जो है, इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग द लाइट, ठीक है। एंड दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जो आपको आसमान नीला और सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे लाल दिख रहा था, वो किसकी वजह से था, टिंडल इफेक्ट की वजह से था, ठीक है। तो ये कोलाइडल हो गया, इसमें क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं। तो केमिस्ट्री में इतना ही रखते हैं, अगली बार से आपको पढ़ाएंगे हम लोग साइंस एंड टेक, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स एंड रोबोटिक्स में स्टार्ट करेंगे, और कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। तो यार ये बेसिकली साइंस एंड टेक जो सीरीज़ है ना हमारी, ये है कि हम बेसिक पढ़ाएं आपको, क्योंकि साइंस एंड टेक जो है पर्टेन करता है करंट डेवलपमेंट्स को। तो उसके लिए हमारी सीरीज आती रहेंगी, हम आपको जो जो अपडेट आ रही है नई वो बताते रहेंगे, वो हम शॉर्ट्स के थ्रू डाल सकते हैं, या कोई लंबा टॉपिक है तो लंबा टॉपिक समझा सकते हैं, ठीक है। बट देन जो बेसिक है, जो फाउंडेशन में हमारा है कि यार बच्चे को बेसिक कम से कम समझ में आ जाए, भाई कोलाइडल क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, हेटरोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है। तो यही है, और बाकी आपको कोई डाउट हो तो हमेशा आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी और भी फाउंडेशन सीरीज, एथिक्स, और भी सबकी सीरीज आ चुकी है, आप देख सकते हैं। जो नहीं आई आप हमें बताएं, हम उसकी सीरीज जरूर बनाएंगे। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड आई होप यू विल यू आर हैविंग अ ग्रेट लाइफ। आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय, सी यू सून।